उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई लगातार अपराधियों पर जारी है, उसी के तहत आज यहाँ पर 24 फीट रोड है जहाँ पर यहाँ पर कसारी मसारी इलाका है जिस इलाके में आज कार्रवाई होनी है वहाँ पर यहाँ पर जो लोग अंदर हैं उनको बाहर निकाला गया है और धीरे धीरे यहाँ पर जो सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है ताकि इसके बाद यहाँ की जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण वो यहाँ पर कार्रवाई कर सके, जिसको लेकर यहाँ से जो सामान है इनके घर के वो निकाले जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बराबर लगा हुआ है यहाँ पर, अंदर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और दिखाइए, देख रहे हैं किस तरह से जो सामान निकल रहा है सामने से, सोफा है, बेड है, जो घर की जरूरतों के सामान होते हैं वो यहाँ पर है, वो निकाले जा रहे हैं। देखिए काफ़ी किताब यहाँ से लोग लिख के निकल रहे हैं, तो किसी ना किसी जो लोग हैं यहाँ पर वो निकाला जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर सामान, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी हटाया जा रहा है ताकि यहाँ की कार्रवाई ठीक तरीके से हो सके, सुचारू रूप से हो सके। ये देखिए किस तरह से जो लेबर हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ से सोफे वगैरह को निकाल रहे हैं बाहर, और यहाँ पर लगभग एक दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर जो ये यहाँ पे जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं ताकि इस मकान को खाली कराया जा सके और पीडीए के बुलडोजर द्वारा इसका ध्वस्तीकरण किया जा सके। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।